हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर व्लॉग। दिस इज मी रागिब रहमान। और अभी ओडेसा में -22 डिग्री सेंटीग्रेड है टेम्परेचर, और अभी थोड़ी देर पहले स्नोफॉल हुई थी। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये नज़ारा, ये बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, लेकिन उतना ही स्ट्रगलिंग है क्योंकि ये जो ठंड है ये बहुत ज़्यादा ठंड है और आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं, इट्स अनबियरेबल। जो मैं सांस ले रहा हूँ वो ऐसा फील हो रहा है कि वो जैसे ही मेरे मुंह से भाप निकल रही है वो वहीं पे जम सी जा रही है, और मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ सही से। मेरे जो ये मसल्स हैं फेस वाले, ये काम नहीं कर रहे हैं सही से। ये सबसे कम टेम्परेचर है जो अब तक मैंने सहा है। तो आगे आपको दिखाते हैं और सिटी का टूर कराते हैं कि कहाँ पे क्या क्या हो रहा है। तो चलिए दिखाते हैं आपको। लव लॉक यहाँ का एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। लोग मानते हैं कि वो अगर रिलेशनशिप में है और यहाँ पे लॉक लगा दे तो उनकी रिलेशनशिप हमेशा के लिए बरकरार रहेगी, एवर फॉर एवर। सो यस, यू कैन सी हर लोगों ने अपना नाम और अपने लव्ड वन का नाम इस पे लिख के रखा है और अपने लाइफ लॉन्ग पार्टनर्स को लॉक करके रखा है। यहाँ पे काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं, अलग अलग सिटीज से आते हैं घूमने के लिए। एक हैंगिंग ब्रिज है, मैं आपको दिखाता हूँ हैंगिंग ब्रिज के उस साइड क्या है। अभी अचानक से स्नोफॉल होने लगी और आप देख सकते हैं ये मेरे पीछे स्नोफॉल। और अभी मैं अगर ऐसे खड़ा रहूं तो मेरे मुंह पे बहुत सारा स्नो आएगा। अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कॉफ़ी पी लेता हूँ। मैं एस्प्रेसो पीऊँगा अभी। कड़वी है बट अच्छी है, क्योंकि इसमें मैंने 3 चम्मच चीनी डलवाया है छोटे वाले में। ख़त्म हो गई इतनी जल्दी और इतनी जल्दी ठंडी भी हो गई। तो गाइस, जो यूक्रेन है वो कोल्ड कंट्री में आता है यूरोप के, और जो इंडियन स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा स्ट्रगल होता है यूक्रेन में वो है ठंड के वजह से, क्योंकि जो टेम्परेचर है वो कंटिन्यूसली -15 to -20 के आसपास ही रहता है पूरे विंटर्स में, जो कि बहुत ही ज़्यादा ठंड होता है एज़ कम्पेयर्ड टू इंडिया। उसके बाद आता है स्नोफॉल। स्नोफॉल एक्साइटिंग है बट आफ्टर स्नोफॉल जो स्ट्रगल है वो स्टार्ट होता है, वो आपको मैं दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। क्योंकि जब स्नोफॉल, अभी जैसे ये बर्फ़ पिघलने लगेंगे फिर आप देखेंगे कि कैसे कीचड़ बन जाते हैं ये बर्फ़, और जो चलने में दिक्कत होती है। ये स्नो क्लीन करने की मशीन थी, ये लोग स्नो इसलिए क्लीन करते हैं ताकि लोग फिसल के गिरे ना। स्नोफॉल होने के बाद जो मेन स्ट्रगल स्टार्ट होता है वो है पैदल चलने में, क्योंकि ज़्यादा चलते चलते वो जो सरफेस होता है वो स्मूथ हो जाता है, जिसके वजह से लोग
फिसलने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो यहाँ के जो वर्कर होते हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ये जैसे ही स्नोफॉल होता है वैसे ही ये पैदल चलने वाले रास्तों पे रेत छिड़क देते हैं ताकि फ्रिक्शन बना रहे। रेत छिड़का है ताकि लोग अगर इस पे चले तो ये ना फिसले। ये देख सकते हैं आप स्ट्रगल जो चलने में इतनी आ रही है, जो 5 मिनट का सफर है वो आप कम से कम 10 मिनट में तय कर पाते हैं स्नोफॉल के वजह से। ये जो धूप देख रहे हैं आप ये कोई काम का नहीं है, क्योंकि ये बस रोशनी दे रहा है, हीट नहीं दे रहा। ये देख सकते हैं रोड कैसे कीचड़ जैसे होते जा रहे हैं, अभी इससे भी ज़्यादा गंदा हाल होगा। आप देखने से आप इनकार करना चाहेंगे ऐसे नज़ारे को, बट आपको देखना होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि स्नोफॉल के बाद कैसा माहौल होता है, रोड कैसे गंदे हो जाते हैं। पुराना हॉस्टल है जो अब बंद हो चुका है, यहाँ मैं पहले रहा करता था लेकिन गवर्नमेंट ने इसे बंद कर दिया है। और ये हमारी बस्तोस है। हाय, काक दिला नरमा लव दिला काक नरमा ले दा शो स्निमाइश दा दा काक तम सचिन सचिन सिचास स्पीत स्पीत दा हाथी शो फिलाइट या स्पीत नोची ночью? Да. Понятно. Это хорошо, что да. Где вы сейчас живете? Малиновская. На Малиновскую, да? Да. Как вас там не обижают? Нет. Нет, хорошо все? Да, все, да. Спасибо. Пока. Пока-пока. ये देखिए ये जुगाड़ है, मेरी ग्लव्स इतनी काम नहीं कर रही थी इस ठंड को, ये इंडिया वाला ग्लव्स था इसलिए ये झेल नहीं पा रहा था, तो मैंने ऊपर से एक प्लास्टिक वाला ग्लव्स पहना है ताकि ये अंदर जो है वो वार्म रहे। तो मेरे पूरे बॉडी में शिवरिंग होने लगी है, अब मैं इसको इससे ज़्यादा नहीं झेल सकता हूँ, अब मैं घर जा रहा हूँ।